वेलकम टू माय मॉम चैनल। सो गाइस, आज है मेरा बर्थडे और मम्मी यहाँ पे झाड़ू लगा रही है। और मम्मी यहाँ कर दो। सो अभी ना मेरा बर्थडे है तो सुबह सुबह तो कुछ भी नहीं हो रहा है, बट सुबह सुबह खाना मंगवाएंगे। और मैं 7 बजे सो के उठी थी, मेरे घर में सब सो जग रहे थे, बट मैं सो गई थी क्योंकि बर्थडे कर लूँ, सुबह को तो कर ही देता। वैसे मैं हुई थी 13 अगस्त 2013 में हुई थी ना, एंड रात के दोपहर के 3 बजे हुई थी, बट 12 बजे कल हो जाता है तो मिस तो हो जाता है ना। तो नेक्स्ट दिन आ गया है, 13 अगस्त आ गया है, मेरा बर्थडे आ गया है। कल मैंने स्कूल में अपना बर्थडे बनाया था। सो गाइज, मैंने आप सबको सारा बता दिया। तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज इसका बर्थडे है, मेरी बेटी का आराध्य का। तो इसको सब आप विश कीजिए और अच्छे अच्छे आशीर्वाद दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। और फ्रेंड्स, आज इसका बर्थडे है तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं तो जच्चा हूँ, इसलिए। और एक दिन तो भाई मेरा गृहस्थ का बनता है, तो इसलिए आज सोच रही बाहर से बनाऊंगी। चलिए बात, आप जच्चा हो क्या? आप जच्चा? सो गाइस, आज मुझे बहुत सारे गिफ्ट भी मिलने वाले हैं, मैं बहुत सारा एक्साइटेड हूँ। मीन्स कि अब तो इतना लग नहीं रहा है कि हाय आज तो मेरा बर्थडे है, मतलब जब पहले था, जैसे मैं 9 की थी या 10 की थी, ओ माय गॉड आज मेरा बर्थडे है, बस चिल कर रही हूँ अपने बर्थडे पे, मतलब आज कुछ काम नहीं करना, इधर से उधर पड़े ही रहना है, ठीक है। तो मिलते हैं अभी आपको जब खाना वाना आ जाएगा तब, या जब मैं नहाने जाऊंगी तब। मैं जा रही हूँ मंदिर, तो चलो अब मंदिर जाती हूँ, उसके बाद मैं मंदिर होके आती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ अब और मैं जा रही हूँ मंदिर। मैंने वॉच भी पहनी है, ये मेरी भैया ने दिलाई थी मुझे परसों दिलाई थी मेरे भैया। मेरे भैया ने मुझे पहले गिफ्ट दे दिया क्योंकि कल मैंने अपना स्कूल में बर्थडे बनाया था, इसलिए मैंने मेरे भैया ने पहले गिफ्ट दे दिया। मैं तो मंदिर जा रही हूँ। सो मैं रेडी हो गई हूँ, जितनी खुशी है मंदिर जूते पहन के कौन जाता है। सो ताई, मैं कैसी लग रही हूँ आपको? हाय बोल दो, चैनल पर जा रही थी। तो आज ताई ने ब्लैक पहना है, कोई नहीं, तभी घर में कोई भी नहीं नहाया, बस मैं ही नहाई हूँ, मेरे को अपनी बर्थडे की खुशी है। अभी पूरा मेकअप करूँगी, नहीं नहीं आके। हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, आज जैसे कि आपको पता है, बता ही दिया आराध्या ने कि आज मेरा बर्थडे है, मतलब आराध्या का बर्थडे है, तो उसने मुझे बिल्कुल भी फ़ोन नहीं दिया। और कब में कब वो वीडियो क्लिप करती जा रही थी, मुझे पता भी नहीं चल रहा था। बस हम फिर ना मतलब ये नहा धो के मंदिर आ गए, मैंने कहा अकेली क्या जाएगी, चल मैं भी चलती हूँ। वैसे तो ये क्लिप है मंडे की, लेकिन मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया था, तो मुझे अच्छा लगा कि इस वीडियो को मैं आपके साथ शेयर करूं कि हम मंडे के दिन गए थे, संडे में तो बर्थडे था, लेकिन मैंने इसके साथ जोड़ दिया है। और पूजा करा के लाई थी मैं इसको, क्योंकि मुझे संडे वाले दिन टाइम नहीं मिला, तो मैं मंडे में करा दी थी। वैसे मंडे में अकेली गई थी, ये संडे में, सॉरी। तो यहाँ पर ना हम पूजा कर रहे थे और यहाँ पर ना इसने मतलब इसको कैमरा पकड़ना नहीं आया, तो इसने ऐसे ही क्लिप ली थी सारी। और फ्रेंड्स, इसने आज थोड़ी सी व्लॉगिंग करी है, तो इसके लिए प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। और सो गाइस, मैं ना दोपहर में सो गई थी, तो जब मैं उठी तो मैंने क्या देखा कि मेरे को मतलब सब ऐसा ऐसा कर रहे थे
कि गिफ्ट लेने चलना है, गिफ्ट लेने चलना है, गिफ्ट लेने चल रहा है। मैंने बोला गिफ्ट तो सरप्राइज होता है, कहने के नहीं तेरा साइज देखना है, तो वैसे मैं कपड़े लाई हूँ। मेरे ताऊजी एंड ताईजी ने दिया था, और वो मैं आपको कपड़े जब मैं रेडी होंगी मैं आपको तभी दिखाऊंगी। ऐसे गाइस फिर मज़ा नहीं आता है, जब किरकिरा सा हो जाता है जब पहन के आती है ना, फिर ऐसा लगता है कि हाँ इसने तो दिखा दिया, तो मज़ा नहीं आया। तो आपने सुबह के तो कपड़े मेरे देख लिए थे, मैंने पहना था जींस और टॉप, इतनी प्यारी गुड़िया लग रही थी मतलब मैं, और सबके विशेज भी हो गए थे। और जो तो मुझे अभी भी विश कर रहा है, थैंक यू सो मच, थैंक यू जो भी मेरी वीडियो को, जो भी मेरी मम्मी का चैनल देख रहा है, थैंक यू सो मच। और जो मुझे विश कर रहा है, थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मम्मी कुछ कहना चाहोगे आप? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आज इसने मुझे व्लॉग ना स्टार्ट करने दिया ना व्लॉग बोलने दिया, कहने लगी कि आज मेरा बर्थडे है तो मैं ही व्लॉग स्टार्ट करूँगी और मैं ही बोलूँगी। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसके लिए तो एक लाइक बनता है क्योंकि इसने बहुत अच्छी व्लॉगिंग करी है। गाइज आपको मेरे बर्थडे व्लॉग के लिए, ठीक है, मेरे बर्थडे व्लॉग के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, जिसने नहीं करा है वो कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, एंड कमेंट्स बहुत सारे देना कि आप कैसे कैसे चैलेंज चाहिए, कैसी कैसी रूटीन वीडियो चाहिए और कैसे कैसे व्लॉग्स चाहिए, तो आप कमेंट करके हमको बता दें। चलिए तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब बर्थडे के टाइम पे। हमने केक ऑर्डर नहीं अभी मम्मी बर्थडे ऑर्डर कर दिया है और बस अब केक का टाइम काटे, अभी तो नहीं काटेगी क्योंकि अभी 6:30 में और इनको जाना पड़ा गया अचानक मीटिंग में, और ये आएंगे रात के 9 बजे। वैसे तो हमने घर में ही कर रहे हैं, किसी को बाहर नहीं बुलाया है, तो इसीलिए केक तो कभी भी काट सकते हैं, चाहे 9 या 10 बजे। तो जब ये 9 बजे आएंगे उसके बाद हम केक काटेंगे, तो मिलते हैं तभी हम आपसे। सो गाइज मैं तब नहीं मिलूंगी आपसे, मैं मिलूंगी, मम्मी आपसे तब मिलेंगे, बट मैं आपसे तब मिलूंगी जब मैं रेडी होंगी। चलो मैं अब कर लेती हूँ घर का कुछ थोड़ा बहुत काम। तो देखिए फ्रेंड्स वैसे तो ना बच्चों को आपका चैनल है तो आपको ही व्लॉगिंग करनी चाहिए, बट इसका बर्थडे था, इसने कहा कि मम्मी सिर्फ एक दिन के लिए मैं व्लॉगिंग कर लूँ आपके चैनल पर, तो मुझे लगा कि देखो इसने इतनी रिक्वेस्ट इतने प्यार से कहा है तो मैंने इसको फ़ोन दे दिया। बट ये कब कभी कर रही थी वीडियो रिकॉर्डिंग, मुझे पता भी नहीं चल रहा था। और मेकअप का तो फ्रेंड्स इसको इतना शौक है ना, बहुत ही ज़्यादा, तो इसने अपने आप ही, मैं तो मना कर रही थी कि बर्थडे पे सिंपल रहना चाहिए, लेकिन दोनों बहनें कह रही थी नहीं थोड़ा सा टचअप करेंगे, तो यहाँ पे देखिए दोनों लग गई अपने अपने मेकअप में। और मुझे पता नहीं था, मैं किचन में काम कर रही थी, तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं सबको दिखाती हूँ कि आप कैसा मेकअप करते हो। तो दोनों बहनें कर रही थी, वैसे आराध्या को कम आता है पर होड़ से ना कॉपी करती रहती अपनी बड़ी सिस्टर की, तो यहाँ पर इसने अच्छे से मेकअप कर लिया है। तो फ्रेंड्स अब शाम का टाइम हो गया, और शाम का क्या रात का ही हो गया था क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मीटिंग में थे, तो बस यहाँ पे केक कट करने के लिए सब आ गए हैं और ये भी आ गए हैं। तो बाहर से हम किसी को बुलाते नहीं हैं, तो घर घर में ही इंजॉय करते हैं, क्योंकि ना मतलब थोड़ा सा भी मैं सोचती हूँ कि बच्चों को फिर टाइम नहीं दे पाते, अच्छे से इंजॉय नहीं करते, क्योंकि फिर गेस्ट की थोड़ी सी करनी पड़ती है खातिरदारी। तो यहाँ पे ताऊ ताई ने कटवा दिया है केक, फिर उसके बाद इनके भाई बहन आए हैं आराध्या के, तो वो भी खिलाएंगे केक। और इतनी मस्ती मजाक हो रही थी ना फ्रेंड्स, मैंने वो सब बातें थोड़ा सा म्यूट कर दिया है क्योंकि आप होता है ना कि घर में सब तरीके की बातें करते हैं, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं पब्लिक में नहीं शेयर करना चाहती। अम्मा भी बड़ी खुश हैं, और ये मेरे हस्बैंड बना रहे हैं वीडियो एंड फोटोज़ कर रहे हैं क्लिक। तो चलिए हम कर लेते हैं इंजॉय, और देखिए कितना यम्मी केक है। आप व्लॉग में बने रहिएगा, प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा और अच्छा अच्छा आशीर्वाद दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।